मऊ जिले में आज सूबे के मुखिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन होने जा रहा है। आपको बता दें कि मऊ सदर विधानसभा से मधुबन और घोसी में जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज आगमन होगा, वहीं आगमन की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई हैं। आपको बता दें कि पूर्वांचल का आखिरी चरण का मतदान कल 3 तारीख और 7 मार्च को होना है। इस बीच पश्चिम से चुनावी रण की तैयारियों और भाषणों के पास से पूर्वांचल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के तमाम कद्दावर नेताओं का ताबड़तोड़ जनसभा होगा। इस बीच आम नागरिकों की क्या मनसाएं हैं और क्या अपेक्षाएं हैं? हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर कल शिवरात्रि थी और शिवरात्रि के अवसर पर शंकर जी के मंदिर पर शिव बारात आई थी। आपको बता दें कि शिवरात्रि के दिन सुबह से लेकर रात तक जहाँ भोलेनाथ के मंदिर में लोगों ने माथा टेका, अपने मन की मुरादें मांगी, वहीं बहुत सारे नेताओं ने भी अपने मन की मुरादें मांगी वहाँ आए थे। इस बीच हमारे साथ मौजूद है इसी शंकर जी के मंदिर के पुजारी भोलेनाथ, उनका भी नाम है। आप अभी हमसे बात कर रहे थे, क्या दिक्कत थी? आपने नेताओं को और सरकारों को सबको लताड़ना शुरू किया, क्या दिक्कत थी? दिक्कत ये है कि सबका कहते हैं योगी जी मोदी जी कि सबको मैं मकान दूंगा, दुकान दूंगा, बिजली की दूंगा, राशन दूंगा, ठीक है। लेकिन मेरा मकान राजभवन की बस्ती में सबका मकान बन गया, लेकिन एज ए गरीब रावण हूँ। आप योगी जी, मेरे ये प्रार्थना है कि अगर आप आ रहे हैं तो मेरा घर देख लीजिए 2 मिनट के लिए। आपको दूध का दूध और पानी का पानी माहौल कि कौन गरीब है कौन अमीर है। मैं भक्त शिव का हूँ, मेरे पिताजी भी शिव भक्त पुजारी थे और इसी से मैं बड़ा दुखी रहता हूँ आप लोग पार्टी से। और कोई विशेष आपके पार्टी से या भगवान से नफरत नहीं। जिसका मकान बनना चाहिए उसका मकान नहीं बना, जिसका मकान बनना चाहिए उसका नहीं बना, जिसका बनना नहीं चाहिए उसका बन गया, जिसके बाद मकान उसका भी मकान बन गया, जिसके बाद सब चीज़ व्यवस्था उनको मकान दिया गया। यहाँ राजनीति खेली जा रही है, राजभवनों की राजनीति करते हैं, अहरों की राजनीति खेल रहे हैं। आप कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार कर लूँ, तो मेरे घर में आप चलिए देखिए, यहाँ सारे लोग बैठे हैं, मुझे बचपन से लोग जानते हैं कि मैं गरीब हूँ, मेरा मकान टूट गया, तो कभी भी किसे कभी भी हम और मेरे बच्चा वो सुन सकते हैं। बस इसी के साथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कोई भाजपा से कोई नफरत नहीं, बस मेरा यह कि सबको देखिए, ये नहीं कि हो जो अमीर है उसी को देख रहे, जो गरीब आप तो देख ही नहीं पाते। सिर्फ पौवा चल रहा है, बोलिए। हाँ, आप सिर्फ पौवा चला रहे हैं, पौवा से काम कर रहे हैं, इसे कैसे चले आप? मैं गरीब रहा हूँ, आप देखिए मुझे, मेरा ये जितना भी वस्त्र मिला है सब बाबा ने दिया है, मेरा मकान नहीं बना, इसी के बाबा बहुत दुखी है बाबा, और कोई बात नहीं, बस इसी के साथ में आया बोलने के लिए। मान लीजिए हम तो आम जनता है, तो आम जनता से ही सवाल किया जाएगा ना, सवाल है कि विधायक से थोड़ी किया जाएगा। सवाल यह है कि यहाँ पर जो शासन में लोग गए हैं, काम तो बहुत कुछ अच्छे भी हुए हैं, अब बड़े बुरे काम यह हुए हैं कि जो अच्छे काम क्या हुए हैं? अच्छे काम हुए हैं कि कम से कम यहाँ चोरी बेईमानी थी वो कम हुई है, यानी भ्रष्टाचार कम हुआ है, भ्रष्टाचार कुछ कम हुआ है। मगर इसी में बड़े पैमाने पर जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनका भ्रष्टाचार बढ़ गया है, जो 1-2 लाख लेते थे 10 लाख ले रहे हैं, छोटे कर्मचारियों की कम हुआ है, मगर बड़े बेईमान बढ़ गए, बड़े बेईमान का संबंध बड़े लोगों से बना हुआ है। तो क्या उम्मीदें हैं कि योगी जी से क्या कहेंगे? हम तो योगी से यही कहेंगे कि आम जनता के हित में नहीं किया है, क्योंकि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, और सबसे बड़ा बेरोजगार जो है वो बढ़ गया, सबके काम धंधा नहीं है, किसी के पास जो काम है उससे उनके जीने भर का आमदनी नहीं है। जो गल्ला लोग देते हैं कहने के लिए, गल्ला दिया जाता है, वो गल्ला 15 दिन में नहीं चलने लगा जो उतना गल्ला देते हैं, सबको गल्ला भी नहीं मिलता। सही माने में जो गरीब है उनके पास कार्ड भी नहीं है। माननीय विधायक जी, सीएम योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, आम नागरिकों में खुशी है लेकिन काफी रोष भी है। देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार पे मामले भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का रेट बढ़ गया है, क्या कहेंगे? महाराज जी मऊ में आ रहे हैं तो मऊ को कुछ दे करके जाएंगे, ये है आशा और विश्वास हम लोगों को है। जो इसे शिक्षा के विभाग में मऊ पिछड़ा हुआ है, मऊ में भी इंजीनियरिंग कॉलेज खुलना चाहिए, मऊ में मेडिकल कॉलेज भी खुलना चाहिए। ये मऊ की सबसे बड़ी आशा उम्मीद है कि पर्दहा काटन मिल और मऊ की स्वदेशी काटन मिल
और छोटे छोटे जो भी उद्योग बंद हैं, हम लोगों को आशा उम्मीद है कि महाराज जी के आने के बाद इस पर विचार करेंगे और फिर पुनः उनकी सरकार बनने जा रही है, ये सारे नए काम होंगे। और भाई साहब जो बता रहे थे कि जो रेट बढ़ गया है इससे जनता बहुत दुखी है, तो अब तो ये 5 साल का कार्यकाल बीत गया जी, लेकिन आम आदमी के बीच जो लेखपाल है, नायब तहसीलदार है, कानपुर है, सिपाही और दरोगा है, आम जनता की आवश्यकता इन्हीं लोगों से पड़ती है। मऊ शहर के अंदर नगर पालिका परिषद है, उसके कर्मचारियों के साथ ही स्थिति है। जैसे खादान विभाग की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें हैं, इनमें जो गड़बड़ियां हैं, हमको लगता है कि इस बार महाराज जी की सरकार जब बनेगी तो ये जो नट बोल्ट ढीले हैं, मोर्चा लगा हुआ है, ये सब 2 महीना के अंदर सब ठीक हो जाएगा और जनता अमन चैन से जो रह रही है इसी तरह से अमन चैन से रहे। 5 साल तक सरकार थी, नट बोल्ट कस नहीं पाई और नई स्वदेशी कॉटन मिल और यूपी स्टेट स्पिनिंग मिल खोल पाई। बाबू तुहरे जहिया जन्म हुई ना तहिये ब्याह ना हुई, आ जहिया तुहार ब्याह हुई तहिये तुहार लड़का ना हुई। तो जे भैया 60 बरस से बिगड़ले बा, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि 5 ही बरस में सही हो जाएगा। ठीक।